अरे कितनी बार बोल चुका हूँ कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मेरा नाम देशबंधु रॉय है। लिफ्ट लेने के चक्कर में इस बस में आगे उड़ता तीर अपनी ले लिया यार। चुप बे, आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। 2 साल 20 रॉबरी, फिर भी कोई नहीं जानता हम कौन है और करते कहाँ है। समझ में आया मैं कौन हूँ। अब बाबू भाई, आपने 2 साल में 20 रॉबरी की, आपका दूसरा नाम आतंक है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? कौन है वो गद्दार जो हमारी तेज नजरों से बचा हुआ? कौन भाई, अब फिर से प्रश्न कर रहे हो? तुमसे तो हम बाद में निपट लेंगे, पहले इस बबुआ की तलाशी लो। आई कार्ड। पढ़ तो बे, क्या लिखा है? इंस्पेक्टर कबीर नायक। अबे पुलिस वाले को सलाम करता है? हट, यहाँ का बैठा है, चल उधर। कार्ड में फोटो भी नहीं है। अंडरवियर ऑफिसर। बाबू भाई, अंडरवियर नहीं, अंडर कवर ऑफिसर, इंग्लिश। बाबू भाई को अंग्रेजी सिखा रहा। बांध के डाल दो पीछे साले को। विद्यार्थियों ने तो देश की हालत चौपट कर दी है। हाथ का जोड़ है। यस सर। निकाल इधर से, बस सुबह खोल के निकालो, रुपया नहीं देख कान के नीचे भी खींच के। ये का है? ये बंदूक है। हैंड्स अप, अपनी बंदूक के नीचे फेंक दो। और ड्राइवर भाई, गाड़ी रोक दो। बता रहे हैं बाबू भाई से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अबे सस्ती चीजों का शौक तो मुझे भी नहीं है। बाबू भाई से बदतमीजी मत करियो। अरे मुझे मारा तो मारा, अगर तूने बाबू भाई के हाथ लगाए ना तो बाबू भाई की। ए इंस्पेक्टर, समझा देता हूँ तुझे मैं। तू क्या समझेगा बे? अभी मेरे को मारा तो ठीक है, पर अपने बाबू भाई को मत मारना प्लीज। बाबू भाई की माँ की। इंस्पेक्टर, तेरी तो मेरे को मारा तो ठीक है, पर बाबू भाई का कुछ नहीं बोलेगा। कर जो तुझे करना है, करना। हाँ तो करूंगा ना, तू क्या मुझे रोकेगा? साले 2 कौड़ी के डाकू, साइकिल लूटने की औकात नहीं है तेरी, और बस लूटने चला है। हाँ साले, गोली जितनी साइज है तेरी, बंदूक उठाते तुझे शर्म नहीं आती? अबे तेरे जैसे को तो मैं हर शनिवार को 5 हरी मिर्चों के साथ अपने घर के बाहर लटकाता हूँ, समझा ना भाई? नीमू बोल रहा है आपको मालूम है। ठीक से बांधा कर यार, आदमी खुल जाता है फिर उससे ऐसी वैसी हरकतें सूझती है, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं बाबू भाई, चल भागने लगे कहाँ से ससुर का नाते। मेरी प्यारी बहनों और उनके भाइयों, वैसे तो आपको मालूम ही होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। क्यों आई बे? वैसे तो मैं हमेशा बिजी ही रहती हूँ, मेरी एक टांग दिल्ली में तो दूसरी टांग पंजाब में होती है। माँ कसम, हरियाणा वालों को तो मजा आ जाता होगा। ओए बाबे, कुछ समझ नहीं आया। माँ एक दिन समझा दूंगा, ध्यान दे उधर। बहुत बुरा हुआ हमारे लकी सिंह के साथ, बेचारा भरी जवानी में ही रंडवा हो गया। अब हम क्या कहें लक्ष्मी जी के बारे में? ये तो पगले है। लक्ष्मी जी एक अच्छा सेक्स थी।
मैडम मैडम सेक्स नहीं शख्स। पता है लक्ष्मी जी सच में एक अच्छा सेक्स थी जिसका कोई जवाब नहीं था है? इस पिंड में जिस जिसने भी उनके साथ संबंध रखे उन सबका यही कहना है कि लक्ष्मी जैसा सेक्स और कोई नहीं। अब हम क्या कहें उनके बारे में, सच में लक्ष्मी जैसा सेक्स ना देखा है और ना ही देखेंगे। हम भी कोशिश कर रहे हैं एक अच्छा सेक्स बनने की ताकि आप लोग हमें आजमा सके और कह सके कि मेरे जैसा सेक्स और कोई नहीं। हमारे सरकार में भी बहुत अच्छे अच्छे सेक्स हैं जिनके कारनामों से हमारे सरकार की सेक्सियत बढ़ी है। हम चाहते हैं कि आप लोग भी एक अच्छा सेक्स बने ताकि आपके आसपास वाले भी अच्छे सेक्स बन सके। कहाँ से ले आए हो इसको? लगता है इसकी उर्दू कमजोर। क्या हुआ लकी रंडवा हुआ तो वो भी एक अच्छा सेक्स है। इसीलिए हमारी सरकार की तरफ से और अपोजिशन पार्टी की तरफ से मैं इस अच्छे सेक्स को 1 करोड़ का चेक अर्पित करना चाहती हूँ। मुबारका मत लगियो माँ समझ के पैर छू। जीते रहो। तुम एक अच्छा सेक्स हो और उम्मीद करती हूँ कि तुम एक अच्छा सेक्स बने रहोगे। बॉस, बॉस, बॉस! हाँ? क्या भाई? सत्तू आया है सत्तू। समुंदर में टट्टू? सत्तू सुपारी। आंडे वने? हाँ? तुम्हें? हे सुपारी, माय बॉर्न किलर, हाउ डू यू कम मैन? हाँ? क्या कम कम? कम होते होते बचाओ मैं, मालूम है? What? पूरी इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते? दो अंधे, 4 बॉडीगार्ड है कौन बताएगा? 4 बॉडीगार्ड कहाँ से आए? फिर नारे ऐसे एम लेके मारते हैं कि ओलंपिक में जाए तो इंडिया का नाम रोशन कर दे। हा? इंडिया का नाम रोशन कर दे। अबे चिल्लाता क्या रोशन क्यों ला? क्या सोचता है मैं बहरा हूँ? शट अप। आगे आगे क्या सोचा है? क्या सोचा है? खोपड़ी का एक्शन निकाल लूंगा और पेन किलर ले लूंगा। पेन किलर ले लूंगा, जब बस वही कर, मैं कोई दूसरा प्रोफेशनल हायर कर लूंगा। गो। अरे सत्तू सुपारी को और एक मौका दो प्लीज। अब की बार पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। जाएगा? हाँ। तो जा। अरे ऐसे क्या चल रहा है? आपके पिछवाड़े कभी कील घुसा है? ना। तो आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते। और कोई है? बाबा जी मैं भी आपसे एक सवाल पूछूं? भगवान ने मुंह दिया तो पूछ लो बेटा। बाबा जी मैं नहाते समय क्या लगाया करूं? नहाने का तो ऐसा है हाथ खड़े कर और ऊपर कर और ऊपर कर, इतनी लंबी है तो झट से कुंडी लगा लिया कर। बाबा जी की जय हो। जय हो जय हो। पंजाय मेरे करीब। अब बाबा जी समाधि में जा रहे हैं। समाधि से जागते ही जिस पर भी बाबा जी की पहली दृष्टि पड़ी उस पे बाबा जी की कृपा हो जाएगी। बाबा जी अब समाधि में चले गए। बाबा जी की जय हो। 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 मैन इन ब्लू बताओ तुम्हारी क्या कामना है? अरे बाबा जी आप तो अंतर्यामी हैं। आपने जान लिया? पापा लड़की का मामला है। चुप अंधे के बच्चे, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। ये जिस लड़की के पीछे पड़ा है उसका नाम कामना है। हाँ हाँ बाबा जी हाँ। 100 रुपए चढ़ाओ। लो बेटा ये मेरा भभूत है,
कल बैसाखी है, इस लड़की को ठीक 4 बजे एनी हाउ बाय हुक और कुक किसी भी तरीके से उस लड़की को अल्लाह कलाम लेकर लगा देना। फिर देखना 7:30 बजे तक तुम्हारी कामना तीर कमान लेकर के तुम्हारे पीछे भागी चली आएगी। Stay tuned. We promise to keep you entertained. Do not forget to subscribe to our channel.